तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया टी10 का जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा और दिन का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है एंड कौन से प्लेयर को आपको जीएल में ट्राई करके चलना है, कैसा रिकॉर्ड है एक मतलब ओवरऑल टी10 में एंड लास्ट के 5 मैचेस में कैसा परफॉर्मेंस किया है, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर समझा देंगे ताकि अपने आप से भी एक आप बेटर टीम क्रिएट कर सको। देखो ये दिन का दूसरा मुकाबला है तो अभी तक आपने हमारा पहला मैच वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार चेकआउट कर लो, उसमें काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है पहले मैच के रिगार्डिंग। और हाँ, पहले मैच पे भी आप नजर बनाकर रखना क्योंकि जैसा पहले मैच में स्कोर देखने को मिलेगा, आपको बैट्समैन को सपोर्ट मिल रहा है या बॉलर को सपोर्ट मिल रहा है, कितना एवरेज स्कोर है वो सब उसके हिसाब से आप सेकंड इनिंग में सेम वैसा ही आपको स्कोर देखने को मिल सकता है। तो आप फर्स्ट वाले मैच पे भी नजर बनाकर रख सकते हो, तो इस वजह से फर्स्ट मैच का वीडियो एक बार जाकर चेकआउट कर लो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। तो चलिए ये मैच का वीडियो आपको स्टार्ट करते हो। तो ये मैच दिन का दूसरा मुकाबला है जो कि खेला जाएगा स्नेसी और वियन्ना डोनोबे के बीच में। देखो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो चला लेना, बाकी इन दोनों टीम्स के बीच मैच खेला जाएगा और वेन्यू सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट हर एक मैच में, सीवान क्रिकेट ग्राउंड लोअर ऑस्ट्रेलिया में मैच खेला जाएगा। मैंने आपको लास्ट मैच में पिच रिपोर्ट के बारे में बताया था और इस मैच में भी अभी भी कह रहा हूं कि आप फर्स्ट मैच पे नजर बनाकर रखना क्योंकि उस मैच के हिसाब से इस मैच में भी आपको सेम पिच देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पिच फर्स्ट मैच में डिफरेंट बिहेव करेगा तो सेकंड मैच में डिफरेंट बिहेव करेगा, एक आर्टिफिशियल पिच है जहां पर सेम ऑलमोस्ट हर एक मैच में आपको सेम पिच बिहेव करते हुए दिख सकती है। ये 26 तारीख को 2:30 बजे दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। बाकी दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको फाइनल एंड अपडेटेड टीम मिल जाएगा। देखिए टी10 के मैचेस थोड़े रिस्की रहते हैं और सबसे रिस्की इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं होता। तो देखिए आफ्टर टॉस जो भी बैटिंग ऑर्डर आता है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करते रहता हूँ। और मैं क्यों टेलीग्राम आपको ज्वाइन करने का कह रहा हूं क्योंकि जो पहला मैच खेला जाएगा उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर ही कर पाऊंगा क्योंकि हर चीज वीडियो यूट्यूब पर अपडेट करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से आपके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ ज्वाइन करो और आने वाले टाइम में काफी अच्छा विनिंग करेंगे ऑस्ट्रेलिया टी10 में एंड आने वाली बड़ी बड़ी लीग लाइक सीपीएल स्टार्ट हो रहे और भी इंटरनेशनल मैचेस में अच्छी खासी विनिंग स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट। रिपोर्ट की बात करते हैं तो सेम पिच रिपोर्ट वो पहले मैच जैसा ही होगा, 10 मुकाबले खेले गए जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 7 मुकाबले और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं। तो यहां पर जो पहले बैटिंग कर रही है उनका थोड़ा एडवांटेज है क्योंकि यहां थोड़ा बहुत रन स्कोर कर दे रही है टीम तो सेकंड वाली टीम प्रेशर में आ जा रही है और रन स्कोर नहीं कर पा रही है। तो जो भी टीम पहले इनिंग में बैटिंग करे उसके प्लेयर अपने टीम में पिक कर सकते हो, ज्यादा प्लेयर की बात कर रहा हूं। बाकी ये पिच बैटिंग के लिए मान लो तो ठीक ठाक है और पेसर्स के लिए काफी अच्छा खासा है। एवरेज स्कोर 126 है जो कि एक डिसेंट टोटल माना जाएगा टी10 के हिसाब से क्योंकि टी10 में आप देखे होगे तो 200 रन भी स्कोर हो जाते हैं, ऐसा टी10 होता है, हर एक बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करते हैं प्लेयर। बाकी अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड का बात किया जाए तो टोटल 1 मुकाबले इन दोनों टीम्स के बीच में खेला है और वो मुकाबला मतलब बारिश की वजह से रद्द रहा था। और अगर इनका रिसेंट परफॉर्मेंस का भी बात किया जाए तो एक टीम ने 5 में से सिर्फ 1 मुकाबला उनका अबंडेंट रहा और 4 मुकाबले हार कराने, और वहीं पर दूसरी टीम का इससे भी बुरा हाल है, उनका 3 मुकाबला अबंडेंट रहा है और 2 मुकाबले हार करा रही है, मतलब एक बीएडी और एक एससीनीसी की बात कर रहा हूं। तो दोनों का बुरा हाल है हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट का, मतलब मान लो तो लोअर टीम ये दोनों स्नेसी और बीएडी की टीम है अभी के लिए बोल रहा हूं आप, मतलब मान लो कि टूर्नामेंट के कुछ मैच के बाद क्या ही पता दोनों तगड़ा परफॉर्मेंस कर ले, बट अभी के लिए दोनों लोअर लेवल की टीम है। चलिए प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो के शेयर की बात किया जाए तो रिसेंट इनका ठीक ठाक है, 11-1, 69 रन प्लस 1 विकेट, 58 रन प्लस 0 विकेट है। ओवरऑल टी10 का बात किया जाए तो 11 मैच में 302 रन, 32 के एवरेज और 5 विकेट, ये आपको 1 से 2 ओवर गेंदबाजी कराने का चांस रखता है और ओपनिंग में बैटिंग कर रहे हैं तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास ये डिफॉल्ट चॉइस होने चाहिए, इनको अपने टीम में डेफिनेटली पिक करना और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे के चलना। ए डॉट चिल की बात किया जाए तो 12 रन प्लस 1 विकेट, 13 रन प्लस 0 विकेट, 7 रन प्लस 0 विकेट और 1 रन प्लस 2 विकेट। देखो ये भी एक तगड़े चॉइस आपके टीम के लिए होने चाहिए, बैटिंग भी कर रहे हैं बॉलिंग भी कर रहे हैं। ओवरऑल की बात किया जाए तो 6 मैच में 86 रन, 28 के एवरेज से और 4 विकेट भी इन्होंने पिक कर रखा है, मतलब बॉलिंग से भी प्रदर्शन किया इन्होंने और बैटिंग से भी प्रदर्शन करके आ रहे हैं। ए नसेरी का बात किया जाए तो
देखिए 14 रन प्लस 0 विकेट, 2 रन प्लस 0 विकेट और 1 विकेट है, मतलब रिसेंट ठीक ठाक कह सकते हो, टीम में ट्राई कर सकते हो, ऐसे प्लेयर हैं। अगर ओवरऑल टी10 का बात किया जाए तो 16 मैच में 47 रन, 7 के एवरेज और 10 विकेट। बैटिंग से थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया और बॉलिंग से भी स्ट्रगल, ठीक बॉलिंग से तो नहीं कह सकते बट बैटिंग से थोड़ा बहुत स्ट्रगल किए। आपकी टीम में होने चाहिए, क्या ही पता आपको बॉलिंग भी मिल रहा है बैटिंग भी मिल रहा है, तो ड्रीम टीम में आ जाइए। बाकी कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप मत दीजिएगा। एस जदरान 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट है। अगर ओवरऑल टी10 का बात किया जाए तो 19 मैच में 47 विकेट, 5 के एवरेज से और 10 विकेट भी इन्होंने पिक कर रखा है, तो आपके टीम में होने चाहिए। देखो जो मैं बैटिंग ऑर्डर अभी दिखा रहा हूँ वो मैं कंफर्म नहीं है कि बैटिंग ऑर्डर सेम ही होगा, ये चेंज भी हो सकता है, आफ्टर टॉस मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि टी10 में कोई फिक्स नहीं रहता कौन सा प्लेयर कौन से बैटिंग ऑर्डर पे आएगा, बट अभी के लिए जो पॉसिबल लग रहा है वो मैंने आपको बताया है। ओ ओमारी इनको अब जीएल में ट्राई करके चलना, रिसेंट कोई खास है नहीं, हाँ थोड़ा सा इनका ओवरऑल टी10 का बात मतलब ठीक ठाक है, अगर चाहो तो जीएल में इनको एज अ ट्रम्प ट्राई करके चलना, स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे। आर अब्दुल हिम्मा जाई का बात किया जाए तो रिसेंट उतना अच्छा नहीं है, बट अगर ओवरऑल टी10 का बात किया जाए तो एक अच्छा खासा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। 22 मैच में 301 रन, 25 के एवरेज और 7 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है, तो आपके स्मॉल लीग के लिए टीम के लिए एक अच्छे खासे चॉइस हो सकते हैं। बाकी एज खान कोई खास प्रदर्शन है नहीं, जीएल में इनको ट्राई करके चलना। ए रहमान मीरा ली खेल को भी जीएल में ट्राई करके चलना, कोई खास प्रदर्शन है नहीं, ना ही ओवरऑल में अच्छा प्रदर्शन है ना ही रिसेंट का कोई बढ़िया प्रदर्शन है। ए हबीबुल्ला ठीक ठाक प्रदर्शन करके आ रहे हैं, 3 रन फिर 10 रन प्लस 0 विकेट, 4 रन प्लस 0 विकेट और 1 रन प्लस 1 विकेट, हेड टू हेड में 9 मैच में 5 विकेट, एक ओवर तो डेफिनेटली आपको इनको मिलने ही मिलने वाला है, 2 ओवर भी मिल सकता है, तो अपने टीम में ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली ट्राई करके जा सकते हो। ए आजम और एच एयूबी कोई खास प्रदर्शन दोनों का है नहीं, दोनों का श्योरिटी है नहीं कि ये कितना ओवर की गेंदबाजी कराएंगे और कितना ओवर की बैटिंग करेंगे, तो इनको दोनों को आप जीएल में ट्राई करके चलना, स्मॉल लीग में आपके लिए रिस्की चॉइस हो सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्मॉल लीग में किनको ट्राई करके चलना है, तो के शेर, ए डॉट सिल, ए नसेरी तीनों आपके लिए बाय डिफॉल्ट होंगे। एस जदरान ये चौथे ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, ओ हमारी को उतने अच्छे चॉइस नहीं होंगे। आर अब्दुल हिमजाई को आप जीएल में ट्राई करना मत करना, स्मॉल लीग में कर लेना, जीएल में कैप्टन से वाइस कैप्टन से देकर चलना। एज खान को जीएल में ट्राई करना, ए रहमान को जीएल में, एस हबीबुल्ला को आप जीएल स्मॉल लीग में ट्राई कर लेना, और ए आजम और एच एयूबी को आप स्मॉल लीग में मत ट्राई करना, जीएल में ट्राई करके जा सकते हो। बाकी दोस्तों देखो ये मैचेस हमें कहाँ खेलना है, ये मैच मैं भूम इलेवन पर खेलूंगा, और क्यों खेलूंगा आपके पास तीन रीजन मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला रीजन, यहाँ पर नहीं जीएसटी लगता है नहीं टीडीएस लगता है, तो 60% सबसे पहले आपके पैसे बच जाते हैं, और सबसे पहले नहीं जीएसटी और नहीं टीडीएस वाला रूल आपको बूम इलेवन ही लेकर आया था, और ये नहीं कि आज के टाइम पर तो कोई भी ऐप आपको 60% फ्री कर दे रहा है, बट यहाँ पर आपको एंट्री फीस भी काफी कम है दूसरे ऐप के मुकाबले, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर 20,000 का फ्री गिव्वे मिलता है ऑलमोस्ट हर एक मैच में, चाहे टी10 हो, चाहे कोई अदर इंटरनेशनल मैचेस हो, चाहे कोई लीग मैचेस हो, तो ये सबसे बड़ी फायदा है, जिस भाई के पास पैसे नहीं हो बिना पैसे इन्वेस्ट किए यहां पर खेल सकता है, तो ये 20,000 कॉन्टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना। बट सबसे बड़ा फायदा का बात किया जाए तो यहां पर इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है, जहां पर आप टॉप 10 तक अच्छी खासी कार, उसके बाद अच्छी खासी बाइक, फिर गोवा टूर और भी बड़े बड़े गैजेट आप जीत सकते हो। 1,000 तक विनिंग जोन है, और ये अभी जो लीडर बोर्ड है 2 महीने तक चलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर वहां से ज्वाइन कर लो और फायदा उठाओ। बाकी मेरा रेफर कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल सकता है, और इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व भी करवा दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं स्नैसी की प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो एस सरगिल 0-10, 9 रन प्लस 0 विकेट, 0 विकेट फिर 1 विकेट। ओवरऑल टी10 का बात करते तो 34 मैच में 45 रन, 9 के एवरेज और 8 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। देखिए टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा खासा चॉइस होंगे, अगर टॉप ऑर्डर में नहीं बल्लेबाजी करेंगे तो इनको जीएल में भी स्मॉल लीग में ट्राई करना, बट कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप मत करना। अभी के लिए इनको सीएनवीसी आप कर सकते हो, आपके लिए अच्छे खासे चॉइस हो सकते हैं। इन विजी सिकारा की बात करें तो 6-2-7-0-18 है। ओवरऑल की बात करें तो 32 मैच में 293 रन, 17 के एवरेज और 14 विकेट भी इन्होंने पिक कर रखा है, तो कैप्टनशिप वाइस कैप्टन सीखे ये भी एक अच्छे खासे चॉइस रहेंगे। बाकी स्मॉल लीग में तो इनको ट्राई करके जाना ही जाना है। एनवीजी सेकारा का बात किया जाए तो डीएनबी फिर 7 रन प्लस 0 विकेट, फिर 2 रन प्लस 0 विकेट और 1 रन प्लस 0 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी ओवरऑल का बात किया जाए तो 12 मैच में 20 रन, 6 के एवरेज और 6 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। जे गिल जाई का बात किया जाए तो 33-15-0-10-12 हेड, ओवरऑल का बात किया जाए तो
14 मैच में 136 रन, 19 के एवरेज से और 4 विकेट भी इन्होंने पिक कर रखा है। तो टॉप 4 को आपको स्मॉल लीग में किसी भी कीमत पर ड्रॉप नहीं करना है। जे बहरामा खील ये आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से मिलेगा, कोई खास ऑप्शन है नहीं रिसेंट परफॉर्मेंस में। अगर ओवरऑल का बात किया जाए तो 19 मैच में 146 रन, 14 के एवरेज और 2 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बी इकबाल का भी कोई खास प्रदर्शन है नहीं, तो जीएल में इनको ट्राई करके चलना। एस सुभाष 2 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं, इस वजह से आप इनको चाहो तो स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। देखो अभी जो भी प्लेयर्स का बता रहा हूँ कोई कंफर्म नहीं कौन सा 2 ओवर की गेंदबाजी कराएगा कौन सा नहीं कराएगा, देखो क्योंकि श्योरिटी नहीं रहता T10 में, बट जैसे जैसे मैचेस प्रोग्रेस होते जाते हैं वैसे वैसे पता चलते रहता है कि ये बॉलर आपको 2 ओवर कन्फर्म करा के दे सकता है। जस्ट हम इनके रिसेंट के जो मैचेस खेले उनके हिसाब से हम बताते हैं कि ये 2 ओवर की गेंदबाजी कराएंगे और ये कौन से नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं एस शाहिद को, तो कोई खास प्रदर्शन है नहीं तो जीएल में ट्राई करके चलना। एफ मोहिदीन को बात किया जाए तो 27-8-5-6-16 0 विकेट है, इन्होंने 14 मैच में 79 रन, 9 के एवरेज और 6 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। तो T10 के हिसाब से प्रदर्शन ठीक है, स्मॉल लीग में इनको ट्राई करके चले जाना। एच भाटी और आर अहमद को जीएल में ट्राई करके चलना, दोनों स्मॉल लीग के लिए थोड़ी रिस्की रह सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्मॉल लीग में किनको ट्राई करके चलना है। तो एस शेरगिल, एन विजी सेकारा का बात किया जाता है, उसके बाद डीजी सेकारा और जे घेल जाए, टॉप 4 का आपको टीम में होने होने चाहिए। उसके बाद जे वर्मा खेल और बी इकबाल दोनों को जीएल में ट्राई करना। यहां से बात कर लेते हैं एस सुभाष स्मॉल लीग के लिए अच्छे खासे चॉइस हैं, एस शाहिद ठीक ठाक चॉइस आप कह सकते हो जीएल के लिए, एफ मोहिदीन को आप स्मॉल लीग में ट्राई करना और एच भाटी और आर अहमद को आप जीएल में ट्राई करके चले जाना। बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी भाई वीडियो देखते हो वो काफी तगड़ी विनिंग कर रहे हैं और जो मैचेस का वीडियो हम यहाँ पर नहीं अपलोड कर पाते हैं उसका वीडियो हम अपने सेकंड चैनल पे करते हैं। तो सेकंड चैनल ज्वाइन किया होगा तो आपको पता ही होगा आपको हर एक मैच का प्रॉपर एनालिसिस के साथ वीडियो मिलता है, तो आपके विनिंग के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब टीम डिस्कस कर लेते हैं। देखियो विकेट कीपिंग सेक्शन से एम मोहिदीन को पिक कर रखा है, बैटिंग में काफी नीचे दिखा रहा है बट बॉलिंग भी करते हैं, इसकी वजह से मैंने इनको टीम में पिक कर रखा है। आर हब्दुर हिमेजाई को भी मैंने बैटिंग सेक्शन से ट्राई कर रखा है, जे घेल जाए और एन विजी सिकारा इन तीनों को मैंने ट्राई कर रखा है बैटिंग सेक्शन से, और मेरे हिसाब से आटो टॉस भी ये तीनों मेरी टीम में रहेंगे क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर में ज्यादा चेंजेस आपको दिखेगा नहीं। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में के शेर, एस शेरगिल, ए डॉटसिल, एस हबीबुल्ला और एस ए नासेरी को मैंने ट्राई कर रखा है टीम में, पांचों इंपॉर्टेंट रहेंगे, पांचों को आप ट्राई करके जा सकते हो। ऐसे एस हबीबुल्ला का कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इनका ज्यादा सिलेक्शन भी नहीं है। बाकी बॉलिंग सेक्शन में एस सुभाष और एस जदरान को टिक कर रखा है। मतलब देखो दोस्तों ये फाइनल टीम नहीं, इसमें बहुत से चेंजेस हो सकते हैं, लाइक बैटिंग ऑर्डर में फेर बदल होता है तो मैं काफी चेंजेस कर सकता हूँ क्योंकि विनिंग मैटर करता रहता है, आफ्टर टॉस बहुत अगर चेंजेस करने पड़े तो कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 1 से 2 होगा तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है चेकआउट कर लेना। बाकी कैप्टनसी के शेर को कर रखा है और वाइस कैप्टनसी एस शेरगिल को कर रखा है, आप चाहो तो वाइस कैप्टनसी ए डॉट सिल को भी कर सकते हो, वो भी एक अच्छे खासे चॉइस आपके पास हो सकते हैं। बाकी फाइनल टीम के लिए तो मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। बाकी वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को यहाँ तक देखा तो उसके लिए धन्यवाद।